हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गुजराती साड़ी या फिर सीधे पन्ने की साड़ी आप कैसे पहन सकते हैं बहुत ही इजी स्टाइल में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से साड़ी को लपेटना स्टार्ट करेंगे। एक बार ही ऐसे लपेटेंगे, अभी आप देख सकते हैं वीडियो में। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आपको अपनी साड़ी को टक इन करना है, मीन्स अंदर डालना है अपनी साड़ी को, ताकि आपके पाँव में ना आए, सिर्फ आपके पैरों तक ही साड़ी रहे उतना ही आप रखना। और अच्छे से इसको टक इन करना, मीन्स साड़ी को प्रॉपरली आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप साड़ी पहनते हो तो आपका जो पेटीकोट है उसे आप टाइट बांधना, ताकि आपकी साड़ी ना निकले कभी भी। तो ऐसे आप प्रॉपरली इसको अच्छे से अंदर कर लो ताकि आपके पैरों में ना लगे साड़ी। और उसके बाद में लास्ट कॉर्नर जो होता है साड़ी का, उसे हम लेंगे पल्लू जिसे कहते हैं। फिर इसे एक बार घुमाएंगे, फिर अपने सीधे हाथ की तरफ इस पल्लू को मोड़ लो ताकि हम सीधे पन्ने की साड़ी पहन सकें। क्योंकि सीधे पन्ने की साड़ी में या गुजराती साड़ी में हम हमारे राइट हैंड साइड में पल्लू को रखते हैं, मीन्स जो प्लेट्स होती है वो राइट हैंड साइड में आती है सीधे हाथ की तरफ। तो पहले ऐसे प्लेट्स जमा लेनी है इक्वल। उसके बाद एक बार आप, अगर आपको आइडिया नहीं हो कि आपको कितनी लंबी साड़ी लेनी है, तो पल्लू पकड़ के आप एक बार अपने शोल्डर से आप ऐसे मेज़र कर सकते हैं कि आपको कितना लंबा लेना है। जैसे कि मैंने किया, तो मुझे जितनी हाइट चाहिए थी मेरे आगे के पल्लू की, मैंने उतने में लेके इसको वहीं से आइडिया लगा लिया कि मुझे यहाँ से पहननी है, तो मैंने वहीं से पकड़ के रखा और वहाँ से मैं इसकी प्लेट जमाने लगी। तो ऐसे आप प्लेट जमा सकते हैं, इजीली जम जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान रखें कि कोई भी प्लेट ना छूटे, छूट जाएगी तो फिर वो साड़ी बाहर आ जाएगी। तो ऐसे आप ये प्लेट जमा के इसको अच्छे से पिन आप अपने पास ही रखें ताकि आपके लिए आसान हो जमाना। और सारी प्लेट्स को एक बार जमा के वापस से हम जब पकड़ते हैं प्लेट को, तो वापस सबको इक्वल लेना होता है ताकि कोई भी प्लेट छूटे नहीं। उसके बाद में क्या करना है, ये राइट हैंड साइड में रखा पल्लू और फिर यहाँ पे पिन लगा देनी है। मैं आपको पास में आके भी दिखा दूँगी कि कैसे लगानी है पिन। तो कंधे पे पिन लगाने के बाद में क्या करोगे आप, अब आगे जैसे कि कैसे क्या फोल्ड करते हैं वो देखना। यहीं से हम प्लेट्स पकड़ना स्टार्ट करेंगे सबकी एक साथ। ध्यान रहे कोई भी प्लेट ना छूटे, अगर छूट जाएगी तो फिर वापस साड़ी का लुक नहीं आएगा। जो लास्ट पल्लू है, मींस जो लास्ट लेस है साड़ी की, उसको आपको ऐसे पकड़ के ऐसे फोल्ड करना है। देखना, जो है उसको नीचे ही रखना है फिंगर रख के, और फिर दूसरे को अच्छे से फोल्ड करना है। इसको पकड़ के फिर ऐसे इसको ऊपर रख के और इसको दबा देना है पल्लू को, ताकि वो बाहर ना निकले। फिर जैसे ही ये फोल्ड हो जाए, यहाँ पर भी एक पिन लगा देनी है। ये पिन मैंने लगा दी है। इसके बाद में हम जो पल्लू है ये बचा हुआ है, इसको पीछे जो ब्लाउज़ है उसके ऊपर के ब्लाउज़ में वापस से पिन अप कर देंगे। ये देखो, यहाँ इस साइड में आपको पिन लगानी है। तो बैक साइड जब पिन अप हो जाए साड़ी का पल्लू, उसके बाद में आपको कैसे क्या करना है आगे आप वीडियो में देखना। नेक्स्ट पिन लेके एक पिन यहाँ भी लगा देना, ताकि वो साड़ी प्रॉपरली इधर उधर ना हो और आसानी से मैनेज हो जाए। ये पूरा हमने आगे का पूरा पल्लू वगैरह तैयार कर लिया, अभी तक मैंने पटली जमाई नहीं है। पटली सबसे लास्ट में जमाई जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पल्लू को एक बार सर पर ओढ़ के देखेंगे कि हम जब सर पे ओढ़ेंगे तो कितना हम क्या मैनेज कर पाते हैं और कितना हम क्या मैनेज नहीं कर पाते वो चीज़। तो सबसे पहले हमने ये सर पे ओढ़ के देख लिया। एक तरीका ये है, ऐसे भी ओढ़ के आप चाहे तो अपनी पटली जमा सकते हैं। एक दूसरा तरीका, ऐसे जब हम लगाते हैं तो हमारे सिर पे इजीली टिकती नहीं है साड़ी। तो जो दूसरा तरीका है, हम क्या करेंगे, जो पीछे पिन लगाई थी हमने, सबसे पहले उसको निकाल देंगे और जो लास्ट वाली ये जो पल्लू है
इसको हम निकाल के हमारे सिर पे ओढ़ लेंगे। और सारी पटली मैंने बाकी की हाथ में पकड़ के रखी है। उसके बाद में हम सर पे ओढ़ के लास्ट में ये पिन लगाएंगे। एक आइडिया रहता है इसका कि हम ऐसे यहाँ पे पिन लगा लेंगे, तो वो आपको अपने आप पता चल जाएगा जब आप पिन लगाओगे तब। तो वहाँ पिन लगाने के बाद में क्या हो जाता है कि आप जितना भी सिर पे ओढ़ते हो वो ना तो आगे पीछे जाता है, ना आपका पल्लू कम ज़्यादा होता है, और आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है इसे मैनेज करना। तो ये सिंपली देखो, मैंने ऐसे ओढ़ लिया और यहाँ पे पीछे की तरफ पिन लगा दिया। अब मेरा सर के ऊपर जो पल्लू है वो कहीं नहीं गिरेगा, ईजीली तो नहीं गिरेगा। उसके बाद में अब हम सर पे ओढ़ के ही, जिनके सर पे ओढ़ते हैं उनके लिए स्पेशली सर पे ओढ़ के ही आप पल्लू के आगे की ये पटलियाँ जमाएं, ताकि आपकी साड़ी ऊपर नीचे ना हो और आपकी पटलियाँ पाँव में ना आए। तो सर पे ओढ़ के कितना क्या चाहिए उस हिसाब से मैंने पटली को अंदर टक इन कर लिया है जो साड़ी। अब हम यहाँ से इसकी प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो प्लेट्स ये मैंने बनाना स्टार्ट कर दी है। तो आपको पटली उतनी लेनी है जितनी आपकी हाइट है, ज़्यादा लंबी भी नहीं लेनी, ज़्यादा छोटी भी नहीं लेनी, वरना अच्छी नहीं लगेगी। तो एक बार पटली जमा के आपको क्या करना है, अपने हाथों से इसको इक्वल करना है, और ये जो बच्ची कुची जितनी भी साड़ी होती है इसको अच्छे से टक इन कर लेना है। और उसके बाद में ऐसे देखो, जैसे मैं इसको एक जैसा इकट्ठा कर रही हूँ पटलियों को, प्लेट्स को ऐसा इकट्ठा करके, जितना मेरे पाँव में जेन्यून है इसकी हाइट उस हिसाब से मैं लेके बाकी की पटली जो है वो अंदर डाल दूँगी। ये देखो, उसके बाद हमें साड़ी पिन लगा लेना है। अगर साड़ी पिन नहीं लगाते तो आपकी साड़ी बिल्कुल अच्छे से मैनेज नहीं होगी। तो सारी पटलियों को इकट्ठा करके लास्ट में आप यहाँ पे साड़ी पिन लगा दो तो आपकी साड़ी कहीं भी नहीं जाएगी। तो ये पूरा प्रॉपर तरीका होता है जिस तरह से हम गुजराती साड़ी या सीधे पन्ने की साड़ी पहन सकते हैं। तो ये काफ़ी डिमांडिंग वीडियो थी कि आप सीधे पन्ने की साड़ी कैसे पहनते हो, तो ये तरीका है जिससे आपकी साड़ी अगर आप सर पे ओढ़ते हो तो वो कहीं भी नहीं जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये पूरा प्रॉपर तरीका होता है, कहीं भी कहीं से भी अनमैनेजेबल नहीं होती ये साड़ी। आप बिल्कुल ईजीली पहन के घूम सकते हो, नाच सकते हो आप, ये कहीं भी ना तो साड़ी बिगड़ेगी ना इसका कुछ बिगड़ेगा। बिकॉज जहाँ जहाँ हमने पिनअप किया है वहीं से साड़ी निकल जाती है अक्सर, तो पिनअप प्रॉपरली होगा तो आपकी साड़ी नहीं निकलेगी। तो ये देखो, सीधे पन्ने की साड़ी ऐसे पहन सकते हैं।